नमस्कार दोस्तों, ये क्षेत्रफल निकालना जानेंगे। इस तरह का क्वेश्चन कई परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। पूरा वीडियो को देखिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्षेत्रफल निकालना जानेंगे, इस तरह के यदि क्वेश्चन रहेगा तो क्वेश्चन देख लीजिए। एक कमरे के फर्श की लंबाई उसकी चौड़ाई की 40 मीटर अधिक है। यहाँ चौड़ाई नहीं दिया गया है, सीधे लंबाई को 40 मीटर अधिक है कह रहा है। और दूसरा स्टेप में देखिए, उसके कमरे के फर्श का क्षेत्रफल तब भी नहीं बदलता है जब लंबाई 20 मीटर कर दी जाती है। 40 मीटर से 20 मीटर उसकी लंबाई को कर देंगे तथा चौड़ाई 10 मीटर बढ़ा दी जाती है, फिर भी क्षेत्रफल ज्यों का त्यों रहता है। इसको हल करेंगे, कई परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। देख लीजिए, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। माना माना चौड़ाई बराबर x मीटर, तो लंबाई हो जाएगा, लंबाई बराबर x धन 40 होगा, x धन 40 मीटर होगा, क्योंकि उसकी चौड़ाई की 40 मीटर अधिक है, तो x धन 40 होगा। और दूसरे तरफ देखते हैं, तब भी नहीं बदलता है जब लंबाई 20 मीटर कर दी जाती है। तो यहां पर देखिए, लंबाई बराबर x धन 40 है, इसको 20 कर दिया जाए, घटा दिया जाए, फिर भी ज्यों का त्यों रहता है क्षेत्रफल। और चौड़ाई यहाँ x है, तो यहाँ पर x धन 10, यानी कि 10 बढ़ा दी जाती है, तो x धन 10 होगा, x धन 10 मीटर मीटर ये मीटर। तो यहां भी क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल, यह स्पष्ट कहा गया है प्रश्न में, क्षेत्रफल नहीं बदलता है। इसके क्षेत्रफल बराबर इसके क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई कितना है, x धन 40 गुणित x, चौड़ाई x मीटर है, और बराबर इधर क्या है, लंबाई x धन 40, इसको घटाएंगे तो x धन 20 होगा, 40 में 20 घटाएंगे तो x धन 20 होगा, गुणित गुणा क्या हो, x धन 10, x धन 10 हो गया। अब इसको हल कर लीजिए, x इसके साथ मल्टीपल होगा तो x वर होगा, और 40x होगा, 40 और x का गुणा होगा तो 40x होगा, बराबर इधर का x और x का गुणा होगा तो x वर्ग होगा, x का इसके साथ 10 के साथ भी होगा तो 10x होगा, धन 20 का x के साथ गुणा होगा 20x, फिर धन 20 का 10 के साथ तो 20 दहा में 200। इस प्रकार से अब x वर्ग कट जाएगा, ये इधर है, तो 40x बराबर इसको जोड़ दीजिए 10x और 20x, x x है तो 30x होगा, 30x धन 200। इसको इधर लाएंगे, 40x माइनस 30x बराबर 200, इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो इसको घटाएंगे तो 10x इक्वल टू 200। अब x बराबर निकालेंगे तो इसके नीचे 10 हो जाएगा, इस प्रकार से 10 हो जाएगा, ये 20 दहा में 200, तो x बराबर 20 निकला है दोस्तों।
एक्स बराबर 20 मीटर निकल आया है। तो एक्स का मान या तो इधर रखिए या इधर रखिए, आपको लंबाई और चौड़ाई निकल आएगा। दोस्तों हम इधर ही रखते हैं जिधर जो है माने हैं, चौड़ाई बराबर एक्स है तो एक्स बराबर 20 निकला है, और लंबाई है, लंबाई बराबर कितना है, एक्स धन 40 है, एक्स धन 40 मीटर है। तो हम इसके बराबर एक्स के जगह में लेंगे, एक्स के जगह में लेंगे 20 धन 40 बराबर 60 मीटर। तो यहाँ पर लंबाई बराबर 60 मीटर और चौड़ाई बराबर 20 मीटर निकला है। अब लंबाई गुणी चौड़ाई क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई गुणी चौड़ाई करते हैं, 60 गुणी 20 बराबर हो जाएगा 6 दूनी 12, यानी कि 1200 स्क्वायर मीटर, 1200 स्क्वायर मीटर निकल आया दोस्तों। अब x बराबर 20 को इधर रखे थे, इधर भी रख के देख लेते हैं। यहां पर इसको लिख लीजिए x धन 20 लिख लीजिए, इसमें रखेंगे क्योंकि इसमें घटेगा तो x धन 20 होगा। तो इसको देख लेते हैं, लंबाई, लंबाई बराबर x का मान 20 धन 20 बराबर 40 होगा, और चौड़ाई x धन 10 है तो चौड़ाई बराबर होगा 20 धन 10 बराबर 30। तो लंबाई गुणी चौड़ाई, लंबाई 40 है और चौड़ाई 30 मीटर है, 40 मीटर गुणी 30 मीटर बराबर 4 तिया 12, ये 1200 स्क्वायर मीटर आ गया दोस्तों। इस तरह से बहुत ही इजी तरीका से हल होता है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।